नमस्कार, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मीत और मेरी चैनल फूड फॉर एवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आया हूँ। और ये जो रेसिपी है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए आपको ना तो ओवन लगेगा, ना ही माइक्रोवेव लगेगा, और ना ही हम इसमें अंडे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चॉकलेट केक कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए लगभग 20 से 25 ओरियो बिस्किट्स, या आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स यानी कि पार्ले जी या मारे बिस्किट्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चॉकलेट बिस्किट ही यूज करना होगा। तो पहले हम इन बिस्किट्स को ऐसे मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लेते हैं और इसे हम एक मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। जब सभी बिस्किट्स के टुकड़े हो जाए तब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम ही बारीक पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका ऐसा पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ पर बटर इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो पाउडर है ये एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाए, यानी कि कंबाइन हो जाए। तो बस हमें इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो बिस्किट का पाउडर है वो अच्छे से जुड़ रहा है या नहीं। अगर ये अच्छे से कंबाइन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और मेल्टेड बटर यूज कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक ऐसा केक टिन। अगर आपके पास ऐसा केक टिन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हो। फिर हमें इस केक टिन में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना होगा और इसको हम हर जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब हमें इस केक टिन में एक ऐसा बटर पेपर ऐड कर लेना है और इस बटर पेपर को हम केक टिन के अंदर की तरफ अच्छे से चिपका लेंगे। तो जो ऑयल हमने लगाया हुआ था उससे ये जो बटर पेपर है ये केक टिन को अच्छे से चिपका हुआ रहेगा। अब जो बिस्किट का पाउडर हमने रेडी किया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और फिर हम इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करके इसको हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रहे कि इसका जो लेवल है वो हर जगह पर एक समान होना चाहिए। ये देखिए, मैंने इस मिक्सचर को केक टिन में अच्छे से स्प्रेड कर लिया हुआ है। तब हम इसको 5 मिनट के लिए साइड पर रेस्ट करने देते हैं और तब तक हमें चॉकलेट गनाश रेडी करना है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट और 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली हुई है। अगर आपको मिल्क कंपाउंड चॉकलेट यूज नहीं करनी है तो आप इसके बदले सिर्फ और सिर्फ डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हो। और ये दोनों टाइप की चॉकलेट्स आपको किसी मॉल या सुपरमार्केट या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। तो पहले हमें इन दोनों चॉकलेट्स को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो आप चाहो तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड में आपको एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है और इस पानी को आपको अच्छे से बॉइल कर लेना है। पानी जब बॉईल होने लगे तब हम इसके ऊपर हमारा चॉकलेट का बाउल ऐड कर लेंगे और फिर हमें इस चॉकलेट को पूरी तरीके से मेल्ट कर लेना है। डबल बॉयलर मेथड यूज करने से क्या होगा कि आपकी जो चॉकलेट है ना वो जलेगी नहीं। अगर आप इस चॉकलेट को किसी बर्तन में लेकर डायरेक्टली गैस पर गर्म करोगे तो जो चॉकलेट है वो जल जाएगी और इसका जो टेस्ट है ये भी काफी कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप यहाँ पर इस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करें। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है लेकिन अभी भी इसमें काफी सारे लम्स है। तो एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर हमें इसमें ऐड करना है लगभग 100 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम। और ये जो अमूल फ्रेश क्रीम है ये आपको आसानी से आपके आजू बाजू की ग्रोसरी शॉप्स से मिल जाएगी। अब हम इस क्रीम और मेल्ट की चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और ये देखिए चॉकलेट गनाश बनके रेडी हो चुका है। अब हम एक बड़े से बाउल में 150 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम भी आपको बेकरी स्टोर या मॉल वगैरह में से मिल जाएगी। क्रीम को व्हिप करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो क्रीम है ये बहुत ज्यादा चिल्ड होनी चाहिए। तो अब हम एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से क्रीम को बीट कर लेते हैं। पहले हम इसे स्लो फ्लेम पे बीट करना होगा और धीरे धीरे हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे। क्रीम को हमें तब तक व्हिप करना होगा जब तक एकदम स्टिफ नहीं हो जाती। बीच बीच में हमें जो साइड की क्रीम लगी हुई है उसे भी निकालते रहना होगा। ये देखिए क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है और ये देखिए ये स्टिफ पीक्स फॉर्म कर रही है। आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है ना, इसको चेक करने का एक तरीका है जिसके लिए आपको एक स्पैचुला या एक स्पून में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लेनी होगी और फिर आपको उसे फ्लिप कर लेना होगा। जब आप इसे फ्लिप करते हो और आपकी क्रीम तुरंत नहीं गिरती तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो अब हमें इस व्हिप की हुई क्रीम के अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश ऐड करना है और फिर हम इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चॉकलेटी व्हिप्ड क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तब हम इस व्हिप्ड क्रीम को हमारे केक टिन के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इसको आपको ऐसे टैप करते जाना होगा ताकि ये जो क्रीम है ये हर जगह पर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए तब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुकी है और जो व्हिप क्रीम का लेयर है ये भी थोड़ा सा सेट हो चुका है। तो अब जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी किया हुआ था वो हमें इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना होगा। अगर आपका चॉकलेट गनाश बहुत ही थिक हो जाता है यानी कि गाढ़ा हो जाता है तो आप उसको गैस पर थोड़ी देर गर्म कर लीजिए ताकि वो वापस पहले जैसा पतला हो जाए। अब हमें इस चॉकलेट गनाश को भी हर जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और बस फिर हमें इस केक को लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देना है। लगभग 20 से 30 मिनट हो चुकी है तब हम इस केक को केक टिन में से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी केक कितनी आसानी से बाहर निकल गई। तब हम इस बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारी सिंपल और इजी चॉकलेट केक बनके रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसके ऊपर और भी कई सारे डेकोरेशंस कर सकते हो। तो अगर आपको ये देखना है कि एक प्रोफेशनल चॉकलेट केक कैसे बनाई जाती है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।